नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। रेल बजट में यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों के डिब्बों में निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने रेल बजट की सराहना की है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे निराशाजनक बताया है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने कल जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यों की समीक्षा की और एमवी हर्षवर्धन के आज रात 10 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। रेल बजट में यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। रेल सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता सहित सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है। रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 20% नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। रेल यात्रियों की संख्या 2,10,00,000 से बढ़कर 3 करोड़ हो जाने का अनुमान है। रेलवे को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रावधान वर्ष 2015-16 के रेल बजट की प्रमुख विशेषता है। कल संसद में अपना पहला रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारतीय रेल परिवर्तन के दौर से गुजरेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 तक रेलवे के क्षेत्र में 8,56,020 करोड़ रुपए निवेश होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में रेल लाइनों का विस्तार मौजूदा 1,14,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 1,38,000 किलोमीटर तक किया जाएगा। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत नारे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए व्यावसायिक एजेंसियों की मदद ली जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि बी श्रेणी के स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी प्रायोगिक तौर पर कुछ चुनी हुई रेलगाड़ियों के डिब्बों और महिला कोच पे निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें निजता का भी ध्यान रखा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के समय के बारे में SMS सुविधा दी जाएगी। यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए देश भर में दिन रात चलने वाली हेल्पलाइन फोन नंबर 138 शुरू की जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि बजट में योजना खर्च 52% बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड में वित्तीय सेल बनाने की भी घोषणा की। श्री प्रभु ने कहा कि 9 रेल कॉरिडोर में रेल यातायात की गति वर्तमान 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट की सराहना की है। इसमें आम आदमी का ध्यान रखते हुए गति, स्तर, सेवा और सुरक्षा को एक सूत्र में पिरोया गया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि रेल बजट में रेलवे के विकास के लिए स्पष्ट योजना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उधर विपक्षी दलों ने रेल बजट पर निराशा व्यक्त की है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने कहा कि बजट से आम आदमी की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट में कई नई घोषणाएं की गई थी, लेकिन रेल मंत्री ने ये नहीं बताया कि पिछले रेल बजट में घोषित कितनी परियोजनाएं अब तक शुरू नहीं की गई।